अगर 11 तारीख को छोड़ दें तो आज 8वां दिन है जब सदन नहीं चला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बीच माननीय चेयरमैन ने किन किन चीजों पर बहस की स्वीकृति दी। उन्होंने स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और जो रोज सबसे महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पर जिस प्रावधान के तहत चर्चा होती है, शून्यकाल, जीरो आवर जिसे कहते हैं, उसके तहत स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में तमिल भाषा के प्रयोग, गाजा तितली पेथाई तूफान से हुए कुछ दक्षिण के राज्यों की गंभीर स्थिति, वायु प्रदूषण जिसका प्रकोप पूरे देश में है, पॉल्यूशन का, आयुष्मान जो सरकार की नीति है उस पर चर्चा के लिए, अध्यापकों की समस्याओं पर चर्चा, IBPS में चयन में कन्नड़ भाषा के प्रयोग, साथ ही संस्थाओं की स्वायत्तता का सवाल, रिजर्व बैंक से लेकर किसानों की समस्या पर, और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 5-6 केंद्रों के जो निजीकरण का जो खबर थी उस पर आज आश्चर्य हुआ मुझे कि एक माननीय सदस्य ने 267 के तहत बहस स्थगित करके उसी पर बहस कराने के लिए कहा था, उसको भी माननीय चेयरमैन ने 3-4 दिनों पहले ही लगभग 2-1 बार उसकी स्वीकृति दी कि इन पर बहस हो। इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसके लिए वहां शोरगुल हंगामा होता है, माननीय चेयरमैन ने लगभग अलग अलग प्रावधानों के तहत बहस की मंजूरी दे दी, फिर भी बहस नहीं हो पा रही है। शिक्षा के बारे में अनेक महत्वपूर्ण चीजें थी जो माननीय सदस्यों के द्वारा ही आई हुई थी, पर उस पर भी चर्चा नहीं हुई। मैं ये मानता हूं कि देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, अगर या देश का जो भविष्य, जैसे शिक्षा जैसे जो सवाल हैं, उस पर सरकार के बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल हैं, इन पर भी अगर आपसी सामंजस्य बनाकर हम देश आगे बढ़ाने के लिए राजनीति नहीं करेंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़े